अपनी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अगले चरण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते बुधवार को बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर ग्राम कठिया पहुंचे हुए थे। यहां पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, ग्रामीणों और अधिकारियों ने उनका हेलीपैड पर आत्मीय स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल यहां सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद राजगीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू किए, जहां कई बड़ी घोषणाएं और सौगातें दी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार अन्नदाता किसान के साथ है। हमने किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई, जिसकी चौथी किस्त 31 मार्च को मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार किसानों को धान का सबसे ज्यादा मूल्य दे रही है। वादा था 2500 रुपए का, लेकिन हम किसानों को 2640 और 2660 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं। हमने धान खरीदी को आसान बनाकर किसानों की मुश्किलों को कम किया है, सभी वर्गों के हित में कार्य पर ध्यान दिया है और ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी की है। ऐसा कहते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बेला विकासखंड के ग्राम कठिया में कई घोषणाएं की है, जिनमें सबसे पहला है कुसमी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किया जाएगा। ग्राम राका कठिया में हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं राका कठिया में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की भी घोषणा की गई है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत कुसमी को नगर पंचायत बनाया जाएगा। वहीं जेवरा अर्जुनी बोरिया मार्ग पर उन्नयन एवं नवीनीकरण किया जाएगा और चौड़ीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही ग्राम राका कठिया में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। इनके अलावा चना घेघरी घाट को प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट वीडियो पाने के लिए सीजी 36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नए नए अपडेट डेली के मिलते रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।